बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो लेसन नंबर 7 का थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे हम। वंस इट हैपेंड दैट, एक बार ऐसा हुआ कि देर वॉज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड, महीनों के इख्तिताम तक कोई बारिश ना हुई। अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, एक बहुत बड़ा कहर जमीन में फैल गया। एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, और वुड कटर के पास जल्द ही अपने खानदान को देने के लिए कुछ ना बचा। All the savings were gone, तमाम बचत खत्म हो गई थी। And there was nothing left to eat, और खाने के लिए कुछ ना बचा था। We can no longer feed our children, we can no longer feed our children, हम अपने बच्चों को ज्यादा देर तक नहीं खिला सकते। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट, लकड़हारे की बीवी ने एक रात द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट, लकड़हारे ने एक रात अपनी बीवी से कहा कि हमारे पास बच्चों को खिलाने के लिए ज्यादा नहीं है। As they sat beside the empty earth, जैसे ही वो बैठे हुए थे खाली चूल्हे के पास, अर्थ चूल्हा, When the boys get up in the morning, जब लड़के सुबह के वक्त उठे, बेदार हुए, For their breakfast, अपने नाश्ते के लिए, देयर इज नथिंग फॉर देम टू ईट, उनके खाने के लिए कुछ ना था। माई डियर, मेरी अजीजा, देयर इज ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू, सिर्फ एक चीज है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक देम इनटू द फॉरेस्ट, हमें जरूर उन्हें ले जाना चाहिए जंगल में। लीव देम देयर, और उनको वहां छोड़ देना चाहिए। मे बी सम रिच मैन फाइंड्स देम एंड टेक्स देम होम, शायद कोई अमीर आदमी उनको हासिल कर ले और उनको घर ले जाए। आई एम श्योर दैट, मुझे यकीन है कि ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम, कि वो उनका बहुत ख्याल रखेगा। द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, बेचारी बीवी बहुत चिल्लाई। शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो टू हियर दिस, ये सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख पहुंचा। लेकिन एट लास्ट, आखिरकार, एज द नाइट वोर, जो ही रात आगे बढ़ी, शी अग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, उसने अपने शोहर के मंसूबे से इत्तफाक किया। एफ्टर ऑल, आखिरकार, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को ना देख सकती थी। डाई ऑफ हंगर, भूख से मरते हुए। शी थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा, बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन उसके जहन में कोई मुनासिब
मनसूबा ना आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली थ्री चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ सेवन। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली थ्री चिल्ड्रन, उसके तीन बच्चे होते इंस्टेड ऑफ सेवन, सात की बजाय। दे कुड हैव बीन फेड, वो उनको खिला सकते वेल, बड़े अच्छे अंदाज में। एंड ब्रॉट अप नाइसली, और बड़ी उन्नति से उनकी परवरिश कर पाते। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जैसे ही लकड़हारा और उसकी बीवी बहस कर रहे थे, दे रेज देयर वॉइसेस, उनकी आवाजें बुलंद हुई। द लिटिल मिर्चो हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, छोटे मिर्चू ने हर चीज को सुन लिया, हर बात को, हर छोटी से छोटी बात को भी सुन लिया जो उन्होंने कहा। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरअक्स, ही वॉज नॉट एस्लीप, वो सोया हुआ ना था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, ही ले थिंकिंग, वो लेटा रहा और सोचता रहा। व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, कि करने के लिए बेहतरीन काम क्या है। एज सून एज इट वॉज ट्वाइलाइट, जैसे ही सुबह की पहली रोशनी हुई, ही गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से उठा। एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, और रेंगता हुआ झोंपड़ी से बाहर आ गया। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल की तरफ भागा। He filled his pockets there, वहाँ उसने अपनी जेब को भर लिया, with small white stone, छोटे सफेद पत्थरों के साथ। Then he ran back to the house, फिर वो भागा घर की तरफ। And was in bed again, और दोबारा बिस्तर में चला गया। All quiet, बिल्कुल खामोशी से। एंड प्रिटेंडिंग, और उसने बहाना किया, टू बी फास्ट एस्लीप, सोने का, गैरी नहीं सोने का। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी वालदा ने उसे बुलाया। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल जा रहे हैं। His mother told the boys, उसकी वालदा ने लड़कों को बताया कि you must all help your father gather firewood, आप सबको जरूर अपने वालिद की मदद करनी चाहिए आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। For there, क्योंकि there is no money left to buy any food, क्योंकि अब खुराक खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। द बॉयज वर सो एक्साइटेड, वो लड़का बहुत ज़्यादा पुरजोश था, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख के बारे में भूल गए। एंड वर इन नो टाइम, और थोड़े ही वक्त में, ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, थोड़े ही वक्त में, ऑन द वे टू द फॉरेस्ट, वो अपने जंगल की तरफ रास्ते पर थे और उनका वालिद उनकी रहनुमाई कर रहा था। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लॉन्ग सम, जंगल तारीख और घना था, वेरान था, लॉन्ग सम।
बट अ वुडकटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन लकड़हारा उसका हर हिस्सा जानता था। सो वेल, बड़ी अच्छी तरह, दैट बिफोर लॉन्ग, कि जल्द ही दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो डीपेस्ट पार्ट में थे, गहरे तरी घने तरी हिस्से में थे। यहाँ बेटा लोनसम, लोन सम इसका मतलब है तन्हा, लोन सम तन्हा, अनलाइक अनलाइक परहैप्स परहैप्स क्रीप आउट सेकंड फॉर्म क्रीप आउट रींगना ट्वाइलाइट हल्की सी रोशनी बिट ऑफ मामूली सा। ये बेटा आप इसके अल्फाज याद करते हैं, माइंड याद करते हैं, सेंटेंस बनाए। बेटा आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।